दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा मुद्दा है वो ये है कि क्या तीसरी बार भी भाजपा केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या इंडिया गठबंधन पलटवार करेगा और वो ऐसा धमाका कर सकता है कि जिसकी भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा। तो कई जानकार बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि मोटे तौर पर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वो अपने पैरों पर अभी उतनी मजबूती से खड़ी नहीं हुई है कि वो भाजपा को हरा सके। इसके अलावा भाजपा ने इंडिया गठबंधन को भी उतना मजबूत नहीं रहने दिया। कोशिश तो बहुत की, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली आदि प्रांतों में इंडिया ने अपना गठबंधन कर ही लिया, बावजूद इसके कि भाजपा ने इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की और किसी हद तक भाजपा इसमें कामयाब भी रही। लेकिन जो राहुल गांधी ने ये दो यात्राएं निकाली देश में, भारत जोड़ो यात्रा और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे क्या हुआ कि जो विपक्षी गठबंधन है या इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी दल शामिल हैं, उन सबको भाजपा सरकार ने साम दाम दंड भेद ईडी इनकम टैक्स या और इसी तरीके के अपने हथियारों से उसको कमजोर कर दिया था, विपक्षी नेताओं को कमजोर कर दिया था और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के पास चुनाव लड़ने के तक के लिए पैसा नहीं बचा और जो इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड थे उनमें से अधिकतम पैसा भाजपा की झोली में गया। और यहाँ तक कि जो खबरें आ रही हैं, भाजपा ने तो कांग्रेस का खाता ही सील कर दिया है, जिससे कि जो भी पैसा पड़ा है उसमें वो चुनावों में उसको भी खर्च ना कर सके। लेकिन ये जो विश्लेषक कह रहे हैं, उनका ये दावा है कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा या कांग्रेस नहीं जीतेगी, बल्कि जनता के बीच अंडर करंट चल रहा है और ये चुनाव भारत की जनता खुद जीतेगी, जिस तरीके से 1977 में जनता पार्टी एकाएक बनी थी, ना कोई संगठन था, ना उसका कोई नेता एक था और बस विपक्षी दल और जनता इकट्ठे हुए और कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार को उन्होंने धराशायी कर दिया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक चुनाव हार गए थे। तो इसी तरीके का माहौल कुछ बुद्धिजीवी इस टाइम देश में बता रहे हैं कि जनता के बीच अंडर करंट चल रहा है और अब वो समझने लगी है कि भाजपा किस तरह उनको हिंदू मुसलमान करके या अन्य तरीकों से आपस में बांट कर राज करने में या सत्ता हथियाने में काबिज हुई थी और उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये देश की जनता समझ गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस या राहुल गांधी अलग अलग तरीके की गारंटियां देश को दे रहे हैं, देश की जनता को दे रहे हैं, वो गारंटियां मोदी जी की गारंटियों से ज़्यादा मजबूत, धरातल पर स्थायी रूप लेने वाली
और उन पर अमल होने वाला है, जबकि जो भाजपा या मोदी जी ने गारंटियां दी हैं उनमें वो दम नहीं है, ना ही उनमें वो पैनापन है। वो उसी तरीके की बात है कि बताया जा रहा है कि गरीबी घट रही है, 25 करोड़ गरीब कम हो गए हैं, लेकिन 82 करोड़ को सरकार को जो बेरोजगार है, गरीब है, उनको घर बैठकर राशन देकर उनको जीवित रखना पड़ रहा है। तो ये जो गरीबी खत्म हुई है ये भी नारा सरकार का खोखला है, अन्य मामले भी खोखले हैं और जुमले हैं, ऐसा जो है इन बुद्धिजीवियों का मानना है। और ये जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार की यात्रा में राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं उन पर देश की जनता भरोसा कर रही है, हालांकि कांग्रेस का संगठन और देश का प्रमुख मीडिया इन गारंटियों का बहुत प्रचार नहीं कर रहा है, और जितना बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं उनको मीडिया नहीं दिखा रहा है, जिससे कि देश के हर घर तक राहुल गांधी की ये आवाज़ पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके धीरे 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 राहुल गांधी की वो गारंटियां देश की जनता तक पहुंच रही हैं, और उनसे लगता है कि वो सारा परिदृश्य चुनाव का बदल सकती है। तो मोटे तौर पर हम इन गारंटियों की यदि अब बात करें तो इसमें आधी आबादी पूरा हक, यानी देश की महिलाएं हैं जिनकी आबादी आधी है उनको पूरा हक दिया जाएगा, और केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा यदि केंद्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। दूसरे, महिलाओं को और छात्राओं को, गरीब छात्राओं को, दलित पिछड़ी आदिवासी छात्राओं को पढ़ते समय छात्रावास की बहुत कमी रहती है, आवास की बहुत कमी रहती है, उन्हें परेशानियां होती हैं, इसलिए सावित्रीबाई फूले छात्रावास खोले जाएंगे, 2 गुना कामकाजी महिला हॉस्टल हर जिले में न्यूनतम होंगे, और किसी भी कामकाजी महिला को आवास की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा महालक्ष्मी गारंटी, गरीब परिवार में 1 महिला को 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष, इसको रिपीट कर दूं, परिवार की 1 मुख्य महिला को साल में 1,00,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार देगी, ये है नारी न्याय गारंटी। इसके अलावा अधिकार मैत्री, हर पंचायत में 1 अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो सारे मामलों को पंचायत में देखेगा, या महिला हो या पुरुष हो, और पंचायत की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का उसका काम होगा। और अगली जो गारंटी है, शक्ति का सम्मान, आशा आंगनवाड़ी MDM वर्कर्स के वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना कर दिया जाएगा, यानी जो यदि केंद्र में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं का कायाकल्प कर दिया जाएगा, उनको इतना शक्तिशाली बनाया जाएगा कि वो किसी के ऊपर भार नहीं रहेंगी बल्कि पूरे परिकार में आ जाएंगी। तो ये कांग्रेस पार्टी की 5 घोषणाएं, 5 गारंटियां आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं, और हो सकता है कि ये जो गारंटियां हैं जो उन्होंने बेरोजगार युवकों के लिए भी अलग से गारंटियां दी हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से महिला शक्ति की बात की है, लेकिन इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए हर साल अलग से पैसा दिया जाएगा,
और वो 1 लाख रुपए कम से कम होगा। इसी तरीके की बहुत सारी गारंटियां जो कांग्रेस दे रही है, और ये गारंटियां ऐसी हैं जिससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है और किसी भी युवक को परेशानी नहीं होगी, वो किसी पे परिवार पे बोझ नहीं बनेगा। और इसी तरीके से किसानों की मांगें मानी जाएंगी, उनको MSP दी जाएगी, और उनका कोई भी ऐसी मांग जो किसानों ने रखी है, जो अन्नदाता हैं, उनकी हर बात को, उस हर जायज मांग को ये सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार पूरा करेगी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि बेशक अभी कुछ ऐसा ना लग रहा हो, बेशक भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों के चुनाव लड़ने के या और सब रास्ते बंद कर दिए हैं जिससे कि वो चुनाव में खर्चा ना कर सकें और चुनाव ना जीत सकें, लेकिन उसके बावजूद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला चुनाव देश की जनता लड़ेगी और जीतेगी, और ये जो सपने हैं, ये जो गारंटियां हैं देश की आम जनता की, सारी समस्याओं का, चाहे वो रोजगार है, चाहे महिलाओं की समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे किसान मजदूरों की समस्याएं हैं, सबका एकमुश्त समाधान करेगी, वो भी स्थायी समाधान करेगी। और ये जो गारंटियां हैं देश की जनता के दिलो दिमाग में बैठती जा रही हैं। तो दोस्तों, बेशक बुद्धिजीवी ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में ये गारंटियां, राहुल गांधी की और कांग्रेस की गारंटियां सचमुच में क्या भाजपा पर भारी पड़ने वाली हैं, या जिस तरीके से चुनावी बाण से सरकार की कलई खुल रही है उससे भाजपा का ग्राफ गिरने वाला है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाया गया है, या जिस तरीके से देश के उद्योगपतियों को ED का डर दिखाकर या इनकम टैक्स का डर दिखाकर चुनावी खातों में यानी चुनावी बॉन्ड में उनसे हजारों करोड़ वसूले गए हैं, इससे भी भाजपा का कुछ माहौल खराब होता हुआ देश की जनता की नज़र में दिख रहा है। और उधर जो राहुल गांधी की गारंटियां हैं उनका असर भी दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होने जा रही है, लेकिन सवाल फिर EVM पर भी जाकर अटकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चुनाव होने तक EVM के मुद्दे को भी किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट हल कर देगा, और जो शंकाएं विपक्षी दलों की हैं वो उनका समाधान हो जाएगा। और जिस तरीके से जो आरोप लगते रहे हैं कि EVM सत्ताधारी दल को जिताने का काम कर रहा है, शायद इस बार वो भी ना चल पाए। और यदि ये सब बातें हो गईं तो हो सकता है, और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में देश की जनता जिसको जिताना चाहे उसको जिता सकती है, जिसको हराना चाहे उसको हरा सकती है। अब दिन बचे नहीं हैं, इसी हफ्ते में चुनावों की घोषणा हो जानी है। तो दोस्तों, भाजपा जो दावे कर रही है, या कांग्रेस या राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, या विपक्षी दल जो दावे कर रहे हैं, दोनों में कितना दम है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो मई के महीने में, आने वाले महीने में, मई के में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बाहर आएंगे तो इस सब का भी पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा, या भाजपा तीसरी बार भी सत्ता में लौटेगी, या 10 साल के बाद फिर कांग्रेस या विपक्षी इंडिया गठबंधन सत्ता में लौट सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।